أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ربنا أرنا الحق حقا وأرنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम जो है वो पिछले हफ्ते एक देखा था सूरह फातिहा का, हम जो है वो दरस चल रहा था, उसमें हमने कुछ आयात पढ़ी थी, कुछ पिछले हफ्ते पढ़ी थी, कुछ उससे पहले पढ़ी थी। उसके तरीके अपने शुरू से पढ़ लेते हैं क्या आखिरी आयत थी आज। अल्लाह ताला जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहान पर सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मालिक यौम الدین, जो रोजे जजा का मालिक है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गजब नाजिल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए। इहदिनस सिराते मुस्तकीम तक हमने जो है वो इसकी कुछ थोड़ी तफसील देखी कि इंसान जो है वो किस तरह अल्लाह की इबादत कर सकता है, या इबादत का तकाजा क्या है। इसी तरह इंसान अल्लाह से ही मांगे, किसी से नहीं मांगे, उसके तकाजे किए। फिर हमने सीधी राह के मुतल्लिक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ अकवाल पढ़े थे, जिसमें एक जो कौल है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक हदीस पढ़ रही थी, वो हमने पढ़ी थी कि उसमें वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक नया मिसाल बयान की कि सिराते मुस्तकीम के दोनों तरफ दो दीवारें हैं, उनमें कई एक खुले हुए दरवाजे हैं और दरवाजों पर पर्दे लटक सिराते मुस्तकीम के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मुकर्र है, जो कहता है कि ऐ लोगो, तुम सबको सब के सब उसी सीधी राह पर चले जाओ, टेढ़ी तिरछी इधर उधर की राहों को न देखो ना उन पर जाओ। और उस रास्ते से गुजरने वाला कोई शख्स जब उन दरवाजों में से किसी एक को खोलना चाहता है, तो एक पुकारने वाला पुकारता है, खबरदार इसे ना खोलना, अगर खोला तो इस राह लग जाओगे और सिराते मुस्तकीम से हट जाओगे। अस सिरातुल मुस्तकीम तो इस्लाम है, और दीवारें अल्लाह की हदें हैं, और खुले हुए दरवाजे अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें। और दरवाजे पर पुकारने वाला कुरान करीम है, और रास्ते के ऊपर से पुकारने वाला जिंदा जमीर है। हर ईमानदार के दिल में अल्लाह ताला की तरफ से बतौरे वाइज के होता है। इसी तरह जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आपने एक लकीर खींची और दो लकीरें उसके दाएं जानब और दो बाएं जानब खींची, फिर अपना हाथ बीच वाली लकीर पर रखा और फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर इस आयत की तलावत की, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहू वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही,
यही मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम उसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो, वरना ये तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते से भटका देगा। इसी तरह जो है वो हमने आगे देखा था कि सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, किन लोगों पर जो दुआ की जाती है कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया है हिदायत अता फरमा, तो वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह ताला की ने ही आगे जो है वो उसकी तफसील बयान की है एक आयत में कि वमन युति अल्लाह व रसूल फऊलाइक मअ अल्लज़ीन अनअमा अल्लाह अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। और जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और वो कितने अच्छे साथी हैं। व यौम यअउदु ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, ये दूसरी आयत है। और उसमें जो है वो इंसान की अल्लाह ताला ने एक हसरत बयान की है, और जिस दिन जालिम हसरत से अपने हाथों को काटेगा कहेगा काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। अगली आयत जो है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए। अच्छा, इसकी भी जो तफसील है कि मग़दूब अलैहिम कौन है और दालीन कौन है, तो एक हदीस से मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़दूब अलैहिम से मुराद जो है वो यहूद बताएं और दालीन से मुराद नसारा बताएं। अच्छा, आप देखें तो ये तीन ग्रोह, एक वो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, एक वो जो गुमराह हुए, और एक वो जिन पर अल्लाह का नसर हुआ। ऐसे दो ग्रोह जो हैं वो हिदायत से हटे हुए, एक ग्रोह जो है वो हिदायत पर चल रहा है या हिदायत के रास्ते वाला है जिन पर अल्लाह का इनाम। जब पिछली दफा मैंने मिसाल दी थी उसको फिर दोहरा लेते हैं कि इंसान को जो है वो नमूना या मिसाल क्यों जरूरी है। ये सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम से मुराद जो है वो तर्ज जिंदगी है, पिछली दफा की बात वे ऑफ लाइफ, कि इंसान किस तरह जिंदगी गुजारे कि अल्लाह राजी हो। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर तुम नबीयीन के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे, सालिहीन के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे, सिद्दीकीन के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे, शुहदा के तरीके पर जिंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह ताला राजी होगा। ये सीधा रास्ता है जो जन्नत तक ले जाएगा, जहाँ अल्लाह का दीदार है, अल्लाह की रजा है, अल्लाह से मुलाकात है। और उसके साथ ही दो ग्रोहों का जिक्र कर दिया कि अगर तुम ये मग़दूब अलैहिम और दालीन के तरीके पर चलोगे तो आगे जहन्नम है, गुमराही है, जो है अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह की सजा है। अच्छा, इंसान जो है वो अगर गौर करे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल के तौर पर समझ लें कि ये इंसान एक ऐसी जगह है, जैसे हम दुनिया में हैं, कि दुनिया गुमराहियों से भरी हुई है, जुल्मात है, गुमराहियों की अंधेरा है, तो अब उसमें उसे जो है वो कोई ना कोई रोशनी, कोई ना कोई जो है वो रास्ता चाहिए जिससे वो गुमराहियों से निकल सके। या एक इंसान है जंगल में खड़ा है, घना जंगल है, उसे सिमत का मालूम नहीं है कि मशरक किधर है, मगरब किधर है, शिमाल का किधर है, जनूब का कौन सा रास्ता जाता है। अब अगर उसने बाहर निकलना है शायद अगर मशरक की तरफ, तो वो नहीं उसे कुछ सुझाई दे रहा, तो सारी बात उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। उसे कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कोई ना कोई गाइड चाहिए, हिदायत वाला बंदा चाहिए कि जिसको पता हो कि मशरक इस तरफ है, फिर वो उसके साथ चल जाए, या अगर उसके आगे आगे पता हो कि ये लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये मशरक को जाते हैं, इन्हें उस रास्ते का पता है, तो उनके पीछे पीछे वो भी मशरक को निकल जाएगा। लेकिन अगर वो अकेला चले तो वो हर दो चार कदम के बाद फिटक जाएगा, इस वजह से कि जैसे ही आगे चलेगा फिर दोहराया है, चुराया है, तो फिर उसे सोचना पड़ेगा कि ये मशरक की तरफ कौन सा रास्ता है। तो अगर उसके सामने कोई नमूना होगा तो उसके भटकने के चांसेस नहीं है, वो आसानी से चले, मतलब उसके आगे एक लाइन चल रही है जिसमें जो है उसे पता है कि ये लोग जो है वो मशरक की तरफ ही जा रहे हैं, वो पीछे पीछे चलता चलता मशरक तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो नमूना है, वे ऑफ लाइफ है, उसका इंसान को इल्म होना जरूरी है। अच्छा, अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करें तो अगर इंसान की पर्सनैलिटी कोई देखे तो उसकी तीन तकसीम, तीन किस्म में उसको जो है वो तीन तरह से देखा जा सकता है। मसलन एक इंसान होता है, उसका जो है वो कह रहे हैं सबसे बुनियादी चीज़ इंसान की फिक्र है, उसको आप तर्ज फिक्र कह रहे हैं। फिर इंसान का दूसरा जो है वो हुलिया है, कि वो दिखता कैसा है, उठता कैसा है, बैठता कैसे है, वो ड्रेसिंग कैसी करता है, ये एक उसका दूसरा हिस्सा है। अच्छा, तीसरा हिस्सा फिर उसके मामलात हैं, अमाल हैं, जो उसके फिक्र की बुनियाद पर जाहिर होते हैं। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये असल में तो तीनों एक लाइन में होने चाहिए। मसलन इंसान की जो है वो तर्ज फिक्र
भी अंबिया वाली, सिद्दीकीन वाली, शुहदा वाली होनी चाहिए। उसका हुलिया भी अंबिया वाला, सिद्दीकीन वाला, शुहदा वाला, सालिहीन वाला होना चाहिए। फिर उसके आमाल भी सिद्दीकीन, अंबिया, शुहदा और सालिहीन वाले होने चाहिए। सही तरतीब तो ये है, लेकिन हम जब अपने मुआशरे में देखते हैं तो हमें जो है वो इसमें गड़बड़ नजर आती है कि एक बंदा जो है वो जाहिर हुलिया तो अंबिया वाला है लेकिन उसका तर्ज अमल अंबिया वाला नहीं। अच्छा, एक बंदा जो है उसका फिक्र या बातें तो अंबिया वाली हैं, वो बातें तो जो है वो अंबिया वाली करता है लेकिन उसका हुलिया और तर्ज अमल अंबिया वाला नहीं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आमतौर पर हम जो फिक्र डेवलप होती है इंसान की वो किसी ना किसी मालूमात की बुनियाद पर या कोई ना कोई जो इल्म उसे मिलता है उसकी बुनियाद पर। अच्छा, हम अगर अपने मुआशरे पर गौर करें तो इंसान को इल्म कहाँ से मिल रहा है, इल्म के सोर्सेज क्या है? एक तो वही का सोर्स है जो अंबिया और रुसल लेके आते हैं। अच्छा, दूसरा इंसान जिस मुआशरे में पैदा होता है वो मुआशरा भी किसी सिस्टम के तहत चल रहा होता है, कोई ना कोई उसके नाम तो होते हैं, रसूमात होती हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो फिक्र डेवलप होती है। तीसरी जो चीज़ है जो हमारे यहाँ है, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कॉलेजेस भेजते हैं, ये तीसरी चीज़ है जिससे इंसान की जो है वो फिक्र डेवलप होती है। तो पहली जो चीज़ है, पहली तस्खी अगर इंसान की फिक्री हो जाए, उसकी फिक्र वैसी हो जाए जैसे अंबिया चाहते थे या अल्लाह चाहता है, अंबिया के इल्म की बुनियाद पर हो, तो फिर आगे वाले दो जो स्टेप्स हैं उसका हुलिया और अमल भी उसके मुताबिक हो जाएगा, होना चाहिए उसका असर। अच्छा, अगर हम गौर करें तो हमारे माशरे में हम सब आमतौर पर जो हमारा इल्म है, नॉलेज है, या जो भी हम चीज़ें हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, वो दीन की बुनियाद पर नहीं है। ये आम सारे माशरे की बात कर, वो क्या है? वो क्या है कि हम एक घर में पैदा हुए, पाकिस्तानी माशरा है, यहाँ हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, 10-15 नस्ल चले आ रहे हैं। तो अच्छा, एक घर में एक बंदा पैदा हुआ है, वो देखता है कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। वो देखता है कि हमसाए को देखता है इस तरह जिंदगी गुजार रहा है, माँ बाप को देखता है इस तरह गुजार रहे हैं, बहन भाई को देखता है, कोई चचा साहब है उनको देखता है, या जहाँ उसकी गुजारिश हुई उसके हिसाब से। अच्छा, फिर वो उससे कुछ नतीजा अखज करता है, अच्छा ये सारे इस तरह के अमाल, इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और ये सारे साथ जो है वो उस मतलब इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और इनका एक फोकस है, तो वो उसी तरह का फोकस या उसी तरह की फिक्र उसकी भी डेवेल्प हो जाती है। इसी तरह जब हम वो यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसकी बुनियाद पर भी उसकी फिक्र डेवलप हो जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि दीनी इल्म के अलावा जो हमारा मुआशरा है वो भी बेदीन है, हम गुमराह मुआशरे में आँख खोलते हैं और उसी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, उसकी बुनियाद भी जो है वो जारी बात है दीन के हिसाब से, तो जो मालूमात मुआशरे से मिली है उसकी रसूमात मोस्टली 80-90% जो है वो गैर इस्लामी है, गैर दीनी है, उसकी बुनियाद दीन नहीं। इसी तरह जो इल्म है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है या जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसका भी 95 या 99% कह लें वो उस इल्म की बुनियाद पर है जहाँ इल्म सिरे से अल्लाह को मानता ही नहीं है, और अगर कोई उसका डेवलप करने वाला अल्लाह को मानता भी हो तो उसका ये मानना है कि अल्लाह ताला का या खुदा का हमारी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। वो नजरिया इस तरह का है कि मतलब अल्लाह ताला के लिए जो है खास चार दीवारी है, उसमें जाके अल्लाह को माना जाएगा, जैसे ही उससे निकल जाएंगे, जैसे चर्च है या मस्जिद है या कोई भी इबादत का है, जैसे ही उससे निकल जाएंगे तो फिर हम आजाद हैं, हम इंसान अपनी आजाद मर्जी से सोच के उसके लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है उस हिसाब से इंसान अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन कर लेता है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हम मुआशरे में इंसान जो है वो किन लोगों को फॉलो करें, ये तर्ज जिंदगी है ना, तर्ज जिंदगी उसी तरह की गुजारेगा जिन लोगों को वो फॉलो कर रहा है। हमारे माशरे में हम किन लोगों को फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं जी क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, इसी तरह फिल्मी सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो तो क्या कहते हैं फिल्मी सितारे हों या ड्रामों के जो है वो अदाकार उनको भी स्टार कहा जाता है, उसको भी लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं अगर कोई उस्ताद है, इसी तरह उलमा है उनको लोग फॉलो करते हैं, इसी तरह जो क्या कहते हैं कोई फुटबॉलर है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो इंसान के हमारे माशरे में मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं या ग्रुप्स हैं जिनको एज ए नुमाइंदे के तौर पर पेश करता है हमारा माशरा, हमारा मीडिया। अच्छा, मीडिया में लोग हैं, लोग एंकर्स को फॉलो करते हैं, हमारा फिर लोग जो है वो सियासी लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो ये सारे लोग हैं जिनको लोग
फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर इंसान जो है वो देखे इन सब की जिंदगी पर, तो उनकी सब की जिंदगी का जो मकसद है, जो सेंटर पॉइंट है, वो ये दुनिया है कि ये दुनिया हमने किस तरह अच्छी बनाई। अगर आप अंबिया के इल्म पर गौर करें, जो वही का इल्म है जो रसूल इल्म लेके आते हैं, उसकी बुनियाद पर जो फिक्र डेवेल्प होती है, उसका सेंटर जो है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह की जात उसका मरकज है, उसकी रजा, उसकी नाराजगी। अब जो जिस इंसान की फिक्र और उस इल्म पर बुनियाद करती है, जो वही का इल्म है, तो उसकी फिक्र का सेंटर पॉइंट अल्लाह होगा। वो अगर किसी से नाराज हो रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी से राजी है तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दे रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी से कुछ ले रहा है तो अल्लाह के लिए, उसकी सारी जिंदगी का जो सिस्टम है या वो जो भी तरीका है लाइफ गुजारने का, वो अल्लाह के लिए है। इसी तरह अब ये बुनियादी फर्क हो गया। आमतौर पर हमें जो नजर आता है ना मसला, इसमें कि इंसान की जाहिरी हैयत में और उसके तर्दे अमल में, तो वो इसी वजह से है। अगर आप किसी जाहिरी उलिये में वो बहुत दीनदार नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बातों में, उसके तर्दे अमल में दुनियादारी है, तो इसका मतलब है उसकी फिक्र ठीक है। वो पीछे जो फिक्र डेवेल्प हुई है वो उस इल्म पर नहीं है जो वही की बुनियाद पर है। अच्छा, इसी तरह हमने कुछ अहादीस पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें जिक्र है आयमातुल मुदल्लीन का, गुमराह करने वाले लोग। अच्छा, इंसान को आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? उसके लिए भी कोई ना कोई करेक्टर, कोई ना कोई जो है वो नमूना होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर वो मैच कर सके कि ये गुमराह लोग हैं और ये हक वाले। अच्छा, उसका नमूना भी जो है वो वही है, फिर वापस वही रसूल, सिद्दीकीन, शहदा और सालिहीन है। ये वो लोग हैं जिनका तर्ज जिंदगी एक मेयार है, जिसकी मेयार पर हम परख सकते हैं कि अच्छा, जिसको हमने फॉलो करना है, जिसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है, वो किस तरह की। उससे फिर इंसान की फिक्र, इंसान का हुलिया, इंसान के मामलात, वो तीनों एक लाइन में नजर आते हैं। अच्छा, जो अल्लाह ताला बंदा, जो बंदा मोमन से जो डिमांड करते हैं या जो मकसूद है, वो वही है कि जिसकी फिक्र भी ठीक हो, जिसका हुलिया भी ठीक हो, और जिसकी जो है वो अमल, जो भी उसके मामलात है, वो भी ठीक हो, वो अल्लाह का जो है वो सही बंदा है, अल्लाह का सही बंदा। अच्छा, ये एक तो जनरल बात हो गई कि अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर कोई ये क्लेम करता है कि मैं किसी सोसाइटी को रहबर हूँ, मैं लोगों का जो है वो इमाम हूँ, मैं लोगों का पीर हूँ, मैं लोगों का उस्ताद हूँ, मैं लोगों के लिए जो है वो एक नमूना हूँ, तो अब कैसे पता चलेगा? क्लेम करने वाले तो बहुत सारे सियासतदान क्लेम करते हैं कि हम लीडर लीडरशिप है, हमारे पास सोसाइटी की जो है वो मजहबी तबका जो है वो भी क्लेम करते हैं। इसी तरह जो क्या कहते हैं उसको, पीर वगैरह है, वो भी क्लेम करते हैं। इसी तरह बाकी सारे मीडिया वाले भी क्लेम करते हैं कि लोग हमें फॉलो करते हैं, हम लोगों की जेन सजी करते हैं। तो कैसे पता चलेगा या कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने किसको फॉलो करना है, किसकी माननी है? अच्छा, स्पेशली देखें लेडीज, तो उन पर असर होता है मुआशरे में। आप अगर औरतों का देखें तो ड्रामे देखते हैं, कुछ स्टार प्लस देख रहा है, कुछ जियो देख रहा है, नॉवल्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक जरिए बात है। जो मीडिया है उससे भी एक, वो भी एक इल्म का सोर्स है, उससे भी जो नॉलेज निकलता है वो भी जो है वो इंसान के फिक्र में एक डेवलपमेंट पैदा करता है, फिक्र में कुछ नजरियात में तब्दीली लाता है, या किसी एक किस्म की फिक्र देता है। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, बाद ये आजकल सोशल मीडिया, उसमें भी बाज चैनल्स वगैरह हैं, वो एक मोस्टली आजकल मेरे टाइम लाइन पे बात है ग्रीन एंटरटेनमेंट, तो आप उसकी अगर कभी पेज पर जाके देखें ना, तो आपको उसमें ये चीजें नजर आ जाएंगी जिसकी मैं डिस्कस कर रहा था ना, कि एक पोस्ट में जो है वो हदीस है, एक पोस्ट में जो है वो आयत है, अच्छा अगली ही पोस्ट में किसी ड्रामे का सीन है, किसी फिल्म का सीन है। अब ये तरतीब ठीक नहीं है ना, अगर आप ये तरतीब ठीक नहीं है। अच्छा, ये तरतीब बिकती क्यों है? क्योंकि ये हमारे माशरे की अक्सर तरतीब यही है कि अगर सुबह आके किसी ने दुकान खोल ली है ना, आप अगर बाजार में चले जाए, तो हमारे यहाँ जो छोटे शहर हैं या छोटी जो मार्केट्स हैं, वहाँ क्या है, सुबह एक बंदा गया है, सुबह तलावत से शुरू की। अच्छा, तलावत सुनी कोई 10 मिनट 15 मिनट, फिर कवाली लगा ली। अच्छा, कवाली खत्म हुई तो दुकाने लगा ली। अब ये तरतीब का, ये क्या तरतीब? इसका मतलब है कि फिक्र दुरुस्त नहीं है। वो जाहरी तौर पर या कोई एक अकीदे के लेवल पर एक तसव्वुर तो है कि खुदा है, ये कुरान है, इसकी वजह से बरकत होती है, हम इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन ये तरतीब कितनी जो है वो भयानक है। अगर आप इस पर गौर करें कि कुरान भी पढ़ा उसी जगह, कुरान सुन के उसी जगह कवाली करके उसी जगह जो है वो फिर गाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ ये जो होते हैं लोगों के जलसे, सियासी पार्टी,
उसमें भी अगर आप देखें तो तरतीब यही होगी, खिलावत कलाम पाक है, उसके बाद जो है हो सकता है कहीं कोई नात भी लगा दे, फिर जो है वो तकरीर होगी किसी की, और उसके बाद उसमें भी गाने भी चल रहे हैं। उसी में जो है वो इया का नाबुदु और इया का नस्ताइन का नारा भी है। तकरीर का शुरू अल्लाह के फजल व करम से है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, लेकिन जो है वो बीच में गाने भी चल रहे हैं, मखलूत महफल भी है, लड़कियां लड़के इकट्ठे डांस भी कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। अच्छा, ये वहाँ सियासी पार्टियों के जलसे में क्यों चल रहा है? क्योंकि अक्सरियत हमारी ऐसी है, और सही बात है, अगर अक्सरियत जिस चीज़ को पसंद करती है वो जो बिकता है वही दिखाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है कि एक अकीदा जहन में रहे, अमल में ना आए, अमल इंसान अपनी मर्जी के साथ करता है। अच्छा, अकीदे के लिहाज से भी इंसान मुतमिन रहेगा कि ठीक है जी, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, रसूल पर ईमान रखता हूँ, और मेरी जो है वो हिदायत है, वो निजात पक्की है, और वो ज़िंदगी भी अपनी मर्जी की गुजार रहा है, कोई उसकी जो है वो ज़िंदगी में तर्ज अमल में फ़र्क नहीं आता। इसी तरह आप देखें, मतलब औरतों में क्या असर होता है इसका, कि ठीक है वो एक कोई भी जो है वो आम औरत है, अगर तो वो नमाज रोजा कर रही है, लेकिन उसकी ड्रेसिंग कैसी होगी? वो वैसी जैसे स्टार प्लस के ड्रामे में आती है, या जियोटी न्यूज़ की जो हीरोइन है जिस ड्रेसिंग में वो आ रही है, उसकी ड्रेसिंग है। अच्छा, आजकल तो अजीब मसला है ना कि वो तस्वीरें भी हाथ में पकड़ी है, ट्रेंड में अजीब अजीब ट्रेंड आ जाता है, और पर्दे का कोई इतमाम नहीं है। अब अगर उसका मसला क्या है? उसका मसला ये है कि जो फिक्र है वो सही इल्म पर मबनी नहीं है, वो सही इल्म पर मबनी नहीं है, वो सीधी सनाई बातों पर है, मुआशरे से हासिल करदा चीज़ों पर है। अच्छा, इस अगर सही फिक्र हो तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान को परेशानी नहीं होती। मसला इंसान को आजकल जहनों में इतराज़ क्यों आते हैं जी, मजहबी लोग बड़े सख्त हैं, वो जी मज़हब तो इतना सख्त नहीं है, आसान है। उसकी वजह यह है कि हमने कभी मज़हब खुद पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, हमने अल्लाह की किताब की तरफ रजू ही नहीं की। अच्छा, हमारे औरतों के लिए नमूना क्या है? औरतों के लिए नमूना है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हफ्सा रज़ी। अच्छा, उनकी ज़िंदगी कभी पढ़ी ही नहीं, देखा ही नहीं कि उनकी तर्ज़ फ़िक्र क्या थी, तर्ज़ मुआशरत क्या थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनका जो है वो हुलिया कैसा था, उनका जो है वो कपड़े पहनने का अंदाज़ कैसा था, वो अपने आप को जो है वो सतरपोशी कैसे करती थी, मर्दों के साथ उनके मिलने जुलने का क्या तरीक़ाकार था, क्या हदूद थी, वो इल्म ही नहीं है। तो फिर वो जो है वो सारी बात है, कैसे सीखा है? मुआशरे में, जैसे मुआशरे में चल रहा है बस चल रहे हैं, और एक तसव्वुर है ठीक है वो जो भी बन गया उसके बदले, लेकिन उस तसव्वुर को चेंज करने की कोशिश ही नहीं। तो जो हमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स में टेढ़ नज़र आते हैं वो अल्लाह के दीन के मुताबिक या अम्बिया और रसूल की झलक नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जिस इल्म की बुनियाद पर वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई हुई है वो इल्म जो है वो नहीं है जो अम्बिया ले गया है। अच्छा, उसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि हम तकरीबन आप समझें कि 1400 साल या 1300 साल या 1000 साल भी कर लें, बरसगीर में जो है वो दीन आया हुआ है, लेकिन आज तक हम ये तय नहीं कर सके कि कुरान आम लोगों को पढ़ना चाहिए खुद या नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, बाद लोग कहते हैं ये गुमराही है। अच्छा, अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो क्या जो हमारा मजहबी तबका है उसने लोगों को कुरान पढ़ाया है? ठीक है, आम बंदा जी नहीं पढ़ सकता, तो क्या उलमा ने ये कोशिश की है कि हर बंदे को एक दफ़ा कुरान से गुजारा जाए? अच्छा, फिर बंदों का भी देख लें। अच्छा, ये मान लें कि ठीक है जी, खुद बंदा नहीं कुरान पढ़ सके, किसी बंदे ने कभी किसी आलम के पास गया हो, कहा हो जी मैंने सबकन कुरान पढ़ना है, मुझे पढ़ा, वो बस नादरा पढ़ लिया बचपन में, अपनी वालदैन ने किसी को पढ़ा लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ाया नहीं। असल में ये बुनियाद है, मसला ये है कि हम पूरी तरह हमने दीन के इल्म को या जो भी सोर्सेस हैं, अल्लाह ताला ने दीन की सबसे बुनियादी सोर्स कुरान है, उसकी तरफ कभी रजू ही नहीं किया। तो इसी तरह जो है वो इसीलिए हम जो है वो गुमराहियों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई भी जाली पीर, दो नंबर आलम, दो नंबर लीडर जो है वो हमें धोखा दे के अपना काम निकाल के चला जाता है। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा फ्रॉड चलता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो असल पीछे जो है वो इंसान का नुक्ता नज़र मफाद का है, लालच का है, आखिरत का तसव्वुर सही तरह से डेवलप नहीं, ये मसला है। इसलिए जो है वो वे ऑफ लाइफ हमें जरूर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके सहाब में से कुछ लोगों की जिंदगी, इसी तरह जो औरतें हैं उन्हें आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी, उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी, तो इनकी जिंदगी पड़ी होगी, उनकी लाइफ पड़ी होगी कैसे गुजारी है, तो फिर ही वो तरह से जिंदगी इख्तियार करेंगे ना। दुआ तो हमने कर ली कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों
का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, तो जिन पर तूने इनाम किया। असल में मसला यही है कि आप जब उसकी तरफ पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी पढ़ेंगे, तो होगा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी। सुफयान इब्ने उयैना और सलफ का एक कौल जिक्र किया गया कि उलमा ये दालीन और क्या कहते हैं उसको के बारे में, जो हमारे उलमा में से खराब निकला उसमें यहूद के साथ एक मुशाबत है, और जो हमारे इबादत गुजारों में से खराब निकला उसमें नसारा के साथ एक मुशाबत है। तो एक चीज़ ज़हन में क्लियर रहनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी मासूम नहीं है, कोई भी गुमराह हो सकता है। ये अहादीस में जो है वो मिसालें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं बनी इसराइल के लोगों की, कि बहुत बड़ा आलम था और गुमराह हो गया। तो खुद भी इंसान को बेफिक्री नहीं होनी चाहिए कि मैं जो है वो इससे आज़ाद हो गया हूँ कि मैं अब गुमराह नहीं हो सकता। इसी तरह जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, वो जितना भी बड़ा कोई पीर हो, आलम हो, जो भी हो, उसको भी हमें जो है वो इस लेवल पर अपने जेन में जो है वो जगह नहीं देनी चाहिए कि आप ये गुमराही से पार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा शक ही करते रहें, लेकिन कोई ना कोई बेसिक इल्म कुरान का सुन्नत का होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर जो है वो इंसान कोई बात अगर कोई हमारा बड़ा कहता है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको देखा जा सके, उसको परखा जा सके, फिर इंसान जो है समझे कि बच सकता है। जिस जमाने में हम रह रहे हैं ये फितनों का जमाना है, गुमराह नामों का जमाना है। रोज कोई ना कोई लीडर जो है वो आ जाता है कि मैं आपका जो है वो लीडर हूँ और मुझे फॉलो करें, रोज कोई ना कोई जो है वो खड़ा हो जाएगा अपनी लीडरशिप को लेकर। तो उसमें देखना चाहिए इंसान को, और वो क्राइटेरिया फिर वही है कि अगर आपको अंबिया की सीरत, सहाबा की सीरत, सिद्दीकीन शुहदा की सीरत वो आपके सामने होगी तो आप कोई कंपेरिजन कर सकेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर सकेंगे। सलामुअलैकुम। शायद आ रही है आवाज़ जी आ रही है। मेरा एक सवाल है कि ये जो अक्सर कुरान करीम में आता है कि जब उनसे ये कहा जाता है फला काम करो तो वो कहते हैं हम तो अपने आबा अजदाद की पैरवी करने वाले हैं, तो कुरान जवाब देता है कि तुम्हारे आबा अजदाद बेशक कम अकल क्यों ना हो तो उन्हीं की पैरवी करोगे। इस तरह की बात इस मफहूम के साथ आयात आती हैं, तो क्या मुसलमानों के बारे में भी ये इस आयत का इतलाक हो सकता है? क्योंकि हमारे हम तो अपने जाहिर है आबा व अजदाद यानी अपने असलाफ की पैरवी करेंगे यानी दीन समझ के उनकी पैरवी करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मसला ये है कि वो जो सोसाइटी होती है ये इसको जो है ना पसंद नहीं करती, इसमें फर्क है। फर्क ये है कि पैरवी तो आपने पहले भी करनी है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग थे उनको पैरवी किसकी करनी थी? ईसा अलैहिस्सलाम। तो एक ही सोसाइटी में जो आपसे पहले लोग गुजरे हैं, वो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये नमूना है ना, ये यहाँ से समझ आ जाती है कि जो सीधा रास्ते वाले भी हैं, गुमराही वाले भी हैं और अल्लाह के गजब वाले भी हैं। ये हर मुसलमान सोसाइटी में, ये जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है ना कि हमारी मेरी उम्मत में भी वो सारे अहवाल आएंगे जो पहली उम्मतों में आए हैं, तो गुमराह लोग तो हैं। तो फर्क ये है कि वो असलाफ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पर हैं उनकी तो पैरवी करनी है। यहाँ से उनको दुआ तो मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम है। जो हमसे पहले हैं उसमें जारी बात है, हमारे हिसाब से वो कैटेगरीज हो जाए, दो कैटेगरी हो गई, एक वो जो अल्लाह के रास्ते पर है उनकी पैरवी की जाएगी, एक और दूसरे वो जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं है उनसे जाएगा। और ये जवाब नहीं होगा कि हमारे बड़े ये कर रहे हैं। जब कुरान और सुन्नत की बात आ जाएगी तो कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता कि हमारे तो सब बड़े ये कर रहे हैं, हमारे माशरे का रिवाज ये है, रस्म ये है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल ये है कि अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, पैरवी उनकी की जाए। इंशाल्लाह हम जो है वो खत्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह सुबह बकरा शुरू करेंगे। हम सबको शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और क्लास में आए। अस्सलाम वालेकुम।